मेग और उसके पेरेंट्स का आज का दिन अच्छा था। उन्होंने मजेदार रूम मेकओवर किया है। हर एक फैमिली मेंबर ने इंटीरियर में कुछ न कुछ लगाया है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्रैंडमा भी जवान लग रही है। मिसेस फॉस्टर आज बहुत खुश है। चलो भी ग्रैंडमा। हाँ बहुत अच्छे। हे भगवान, वाह क्या आप ठीक है मिसेस फॉस्टर। बहादुर मॉम। ग्रैंडमा आप बहुत ही अच्छी हैं। फैमिली में सब खुश हैं। पर देखते हैं ये कैसे शुरू हुआ था। उन्हें साथ में होना चाहिए। मैं ये नहीं देख पा रही। वैसे हे भगवान, मैग और रोज फिर से ये शो देख रहे हैं। माइक, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, क्या हुआ? गूगली मोगली? ओह नहीं, आउच। मॉमी, ये गर्म है, मदद करो। वाह, ओह दोस्त, मेरा सर। ये क्या था? ये तुमने क्या किया? मेरा पसंदीदा वेस, वो पूरी तरफ से टूट गया है। हाँ, मेरी चिंता मत करो, इसे देखो, मैं इसे पैरिस से लाई थी और तुमने तोड़ दिया। हे, इसे देखो, तुम्हारी वजह से मेरी उंगली पर लग गई। तो अब ये मेरी गलती है? ये तुम्हारा बेकार शो है। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं भटकाती सब कुछ ठीक होता। बस तुम बेवकूफ हो। ओह नहीं, जल्दी से कुछ करना होगा। ओह ग्रैंडमा, ओह मेरे जॉइंट्स। मैगी, मेरे गले लग जाओ स्वीट हार्ट। ग्रानी आ गई। हाँ मॉम, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। बहुत अच्छे, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी खुश हूँ मॉम। हाय। हेलो रोज। हेलो मिस फॉस्टर। हाय फ्रैंक, यहाँ इतना गंदा क्यों है? कुछ हुआ है क्या? खैर, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। और ये भी, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे लिए वो शेल्फ लगा रहा था। क्या तुमने मेरे लिए ही वेज भी तोड़ा है? बेवकूफ, चुप हो जाओ। चिंता मत करो मेरे बच्चों, ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक है, क्यों नहीं। रूम मेकओवर शुरू हो गया है। डार के पास पहले ही एक दिलचस्प आइडिया है। हे मैग, देखो मुझे क्या मिला। और ये मैं घूम रहा हूँ। डार, अब तो बड़े हो जाओ। मैं देखता हूँ इसमें से टेबल कैसे बनाए। देखो ये काफी आसान है। पहले सीट को खोलो। हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी आता हूँ। ओह, वो फिर से कुछ करने वाले हैं। पीछे हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, डांट दीना, हम इसे यहाँ रखते हैं। मेरे ख्याल से ये एकदम सही फिट हो रहा है। हाँ, तुम क्या कहते हो? बढ़िया है ना? ये एक अच्छा कॉफी टेबल है। हम वैसे भी ये काउंटर स्टूल का इस्तेमाल नहीं करते थे। वाह कितना साफ है। हे डांट, मेरे पास भी एक आइडिया है। चलो इसे डेकोरेट करते हैं। अच्छे से घूमो। हाँ बहुत अच्छे, थोड़े और कलर्स डालें। गुड बाय बोरिंग बॉय, हमेशा से ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। या, मैं इसमें थोड़ा और डालती हूँ, ये एक मास्टरपीस बनने वाला है। मैग के पास असली टैलेंट है, अच्छी डिजाइनर बनेंगी। और आखिरी टच, अब आप अच्छे से इस टेबल पर कुछ खा सकते हैं। आपको कोई भी दाग नहीं दिखेगा। शानदार, मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया मेरे बच्चे, मैं इसे सोफा के पास रखती हूँ। हे रोज, देखो। हाँ, दिलचस्प है। बस यही चाहिए था, ऐसे इसे सीधा होना चाहिए। कमरे के बीच में ये ब्राइट स्पॉट कैसा है? सबसे अच्छी बात है कि ये घूम सकता है। वाह ये कितना अलग है। तुम्हें इस पर से कुछ उठाना नहीं पड़ेगा, बस इसे घुमाओ और ले लो। आसान है। आपको क्या लगता है मिसेस फॉस्टर? बहुत कलरफुल है। ये आजकल का ट्रेंड है, बहुत लोगों को ये पसंद है। चुप रहो, मेरा पसंदीदा शो शुरू होने वाला है। वाह क्या वो इसे माफ नहीं करेगी? ये इसे कैसे देख लेते हैं? हे भगवान, ठीक है, लगता है मुझे जाना चाहिए। रोज, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कौन है? ये माइक है, वो उसे प्यार करता है। ऐसे बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। वाह मुझे हमारी नई दीवार पसंद आई। मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सजा देते हैं। मुझे स्टार्स की तरह देखना अच्छा लगता है। सुनो, हम कमरे को और भी आरामदायक बना सकते हैं। बस तुम्हें सूटेबल लाइट सोर्स ढूंढना होगा। हाँ ये काम करेगा। एक सेकंड रुको, बस हो गया। बस यही चाहिए था, एकदम सही लग रहा है। मैगी देखो ये क्या है? सच बताऊं तो कुछ खास भी नहीं लग रहा, एक आम लैंप लग रहा है। मैग तुम बस लाइट बंद करो। वोइला देखो, अब हम सच में स्टार्स के नीचे हैं। बढ़िया, ऐसा लग रहा है हम बाहर हैं। हाँ एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग। हे मेरे पास पॉपकॉर्न है, आप भी लो। हाँ ये शाम बहुत अच्छी है। वैसे देखो यहाँ अरसा मेजर भी है। मैग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रूम मेकओवर इतना मजेदार होने वाला है। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ क्या? हे लगता है मैंने नया एपिसोड मिस कर दिया। लगता है अगला दिन बढ़िया है, पर एक छोटी परेशानी ने डार्क का मूड खराब कर दिया।
ये क्या है? इन लड़कियों ने फिर से मेरा हेयर ब्रश लिया था और कितनी बार बोलूं कि ऐसा मत करो। ओह शिट, मैंने तोड़ दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या हो रहा है? इधर आओ। क्यों? ठीक है। तो क्या हुआ? ये तुम अपने बाल निकाल कर फेंकती क्यों नहीं हो? ये मेरी कॉम में क्यों है? या फिर मेरे बाथरूम पर? खैर, ये गलती से हो गया, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये गलती तो नहीं लग रही, ये बाल हर जगह है, इधर मेरे नूडल्स में भी। ये देखो, मैं इससे तंग आ गया हूँ। रूम को साफ करो। हे, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं, फिर वो हमें कहने की कुछ हिम्मत भी नहीं करेगा। एओ, ये बहुत गंदा है, इसमें क्या है? याइक, ठीक है, ये काम करेगा। ये इसके अंदर कैसे गए? कितना बुरा है। मुझे एक और काम मिल गई और बहुत सारे बाल भी। लगता है मॉम ने कुछ खतरनाक सोचा है। डैड को अभी तक नहीं पता कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्हें गर्ल्स पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से इतना काफी है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एक मिनट। बढ़िया, हो गया। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, डरावने लग रहे हैं। क्या हम इसके साथ कुछ करेंगे? तुम सही कह रही हो, इन हेयर को और स्टाइलिंग की जरूरत है। मुझे हेयर ड्रायर दो प्लीज। ठीक है, शुक्रिया। अब काफी बेहतर लग रहा है। और हेयर स्प्रे भी, शायद मैंने ढूंढ ली। ये लो। हाँ, बस हो गया, बहुत सारी स्प्रे ऐसे। खैर, मेरे ख्याल से हमने अच्छा काम किया। डैड जरूर हमारी सफाई की तारीफ करेंगे। ओ नहीं, वो फिर से हार गए। इनकी टीम को क्या हो गया है? खैर, हाँ, कुछ सही नहीं है। ये क्या है? हे, रोज। और यहाँ पर ग्रैंडमा सबको उनकी पसंद का गिफ्ट देने का सोच रही है। ये मुश्किल काम है। ये स्वीटी, तुम्हें क्या चाहिए? ओह, काश मेरे पास खुद का स्लाइड हो जिस पर मैं कभी भी राइड कर सकूं। समझ गई। रोज, तुम्हें क्या चाहिए? खैर, मुझे नहीं पता, शायद मुलायम और आरामदायक फर्नीचर, कुछ ऐसा। आहा, दिलचस्प है। स्लाइड, मुलायम। हे फ्रैंक, क्या तुम्हें क्या चाहिए? मुझे टॉयलेट पेपर चाहिए। तो मैं क्या करूं? शायद, हाँ, बढ़िया आइडिया है। ओ बच्चे, मेरे घुटने। प्यारी फैमिली के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। हाँ, बस हो गया, थोड़ा सा और। चलो भी, रोल हो जाओ। फ्यू, बढ़िया। मुलायम टॉयलेट पेपर स्लाइड। ये स्लाइड है जैसे मुझे चाहिए थी। शुक्रिया ग्रानी। वाह, कितना मुलायम और आरामदायक है। मॉम, आपने हमें सरप्राइज कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे पास ये है, हमारी फैमिली पिक्चर। मैं इसे शेल्फ पर रख देती हूँ, बहुत सुंदर। मॉम, डैड कहाँ गए? ओह, वो बस टॉयलेट नहीं छोड़ना चाहते। ओह बाल, तुम बहुत सुंदर हो, किसी को हमारी जरूरत नहीं है। कितनी गलत बात है। क्यों ना हम उन्हें प्रेजेंट दे? मैं नहीं देना चाहती। पर क्यों? रोज, ये सही कह रही है, अपने हस्बैंड के साथ शांति से रहो। ठीक है, मैं रहूंगी, ये बेहतर है। चलो डैड का पोर्ट्रेट बनाते हैं और इधर लटका देते हैं। मुझे विश्वास है वो जरूर खुश होंगे। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? चलो शुरू करते हैं। मेरे पास ब्रशेज है, मैं पेंट लाई हूँ, सही रहेंगे। बहुत बढ़िया। हे मॉम, क्या आप फ्रेम लाए हो? मैं तुम्हारे लिए पोज करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये अच्छा आइडिया है, क्या हम ट्राई करें? हाँ, चलो करते हैं। और इसे यहाँ लटकाएंगे। बिल्कुल हाँ, जैसे आपको लगता है, प्यार से बने गिफ्ट से बेहतर कुछ नहीं है। और डैड को वही मिलेगा, शायद ये मैक के पेरेंट्स के बीच सब कुछ ठीक कर दे। ये सुंदर पोर्ट्रेट डैडी के दिल को पिघलाने के लिए बनाई जा रही है। चलो अपने गिफ्ट को छुपा देते हैं। बहुत बढ़िया, अब उन्हें बुलाने का समय आ गया है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तुमने अच्छा काम किया रोज। नॉक नॉक, डैड, मॉम और मैं आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, ये काम कर रहा है। बढ़िया, चलो भी डॉज, दूसरी साइड पर जाओ। चलो भी, बाहर आ जाओ, हमने आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज तैयार किया है, आपको पसंद आएगा। क्या आप सुन रहे हैं? चलो भी जाओ। हाँ, क्या सरप्राइज? तुम्हारा एक सरप्राइज मेरे लिए काफी था। और नहीं, गुस्सा मत करो, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। बाहर आओ। हाँ जी, ठीक है ठीक है, तुमने मुझे मना लिया। बढ़िया, शुक्रिया, आपको अच्छा लगेगा। आप शांति से रेसलिंग भी नहीं देख सकते। डैड आ गए, ये सरप्राइज है। क्या तुम मुझ पर फिर से हंसना चाहते हो या क्या? नहीं नहीं, इधर दीवार पर। टडा, एक सेकेंड, हमने आपका पोर्ट्रेट पेंट किया है, आपको कैसा लगा? पसंद आया? क्या सबसे अच्छे डैड? वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग है। क्या तुमको सच में लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ?
बिल्कुल फ्रैंक, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। शुक्रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना अच्छा रूम मेकओवर है। इंस्टाग्राम में नया क्या है? बढ़िया, ऐसा लगता है मैग और जेट ने सीक्रेट रूम्स बनाने का सोच लिया है, लेकिन इसे बढ़िया से कौन कर सकता है? और उनकी लड़ाई के लिए जगह यहाँ है, काफी जगह है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मेरा पिल्लो वाला सीक्रेट कभी फेल नहीं होता है। अमीर लोग अपनी परेशानी ऐसे खत्म करते हैं। फोकस फोकस, वो ये किसी तरह का जादू है। बढ़िया, मुझे बस सबको एक साथ लगाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद? क्या तुम सब खुद नहीं करना चाहती थी? प्लीज। अच्छा, मेरे पास चीजों को बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, मैं मदद करूँगा। गरीब जेट का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अमीर मैग हमेशा उसकी अच्छाई का फायदा उठाती है। तो शायद मैंने थोड़े कॉइन्स कमा लिए हैं। तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मेरे ख्याल से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हे भगवान, मैं अब अमीर हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं इसमें से बेकार की चीज निकालना भूल गई थी। ये लो, बहुत स्टाइलिश और काम का सूटकेस है। ठीक है, मेरा फर्ज था। अब मुझे डिजाइनर को कॉल करना होगा। हाय, क्या तुम सीक्रेट रूम बनाने में मेरी मदद करोगी? इंतजार कर रही हूँ। मुश्किल नहीं है। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, मुझे डिजाइन को लेकर कुछ आइडिया चाहिए। जरूर जरूर। ओह, मैं क्या करूँ? हे, ये क्या है? मुझे विश्वास नहीं होता। यहाँ कम लाइट है। बिल्कुल, मैं यहाँ थोड़े कर्टेंस भी लगाऊंगी। मजेदार है। हाँ, और तुम्हें वॉल सजाना चाहिए और कलर्स लगाओ। शुक्रिया जीन, तुम असल में माहिर हो। अमीर होना बढ़िया रहता है। मेरे सीक्रेट रूम को मिलियन लाइक्स मिलेंगे। क्यों ना मैं अपना वॉल पैसों से सजा दूं? क्यों नहीं, किसी ने भी ये पहले नहीं किया होगा। मेरा बेड आलीशान लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता मुझे बैंक के बाकी नोट की जरूरत होगी। क्या मेरे पास कुछ पीने के लिए है? मुझे सोडा पसंद है। शानदार। अच्छा चलो, एक खराब वॉल को एक आर्ट बनाकर शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने बढ़िया काम से खुद को भी हैरान कर देती हूँ। हाँ, वेदर फोरकास्ट ने पैसों की बारिश के बारे में कुछ नहीं बोला था। मजेदार है। ओह, इनके अलग पैटर्न्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन बैंक के नोट से एक वॉल को पेंट कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा रोलर चलाना है। मेरा सीक्रेट रूम 100 गुना ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। टड़ा। उसी वक्त मैग का बेकार सामान जेट के काम आ जाता है। उसे शक भी नहीं होता है वो कितनी सारी काम की चीजें फेंक रही है। मैं इन बॉटल से डंबल बनाऊंगा। तुम्हें हमेशा शेप में रहना चाहिए। जेट को सीक्रेट रूम बनाने के लिए मैग की तरह पैसों की जरूरत नहीं है। उसके पास काफी सारे आइडियाज हैं। वो कूड़े के ढेर से भी कुछ बढ़िया बना सकता है। क्राफ्ट डंबल्स लगभग बन गए हैं। मुझे बस थोड़ा वजन डालना है और सबको एक साथ लगाना है। अब जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्कआउट का वक्त हो गया है। 1, 2, लगता है मैंने अपनी ताकत को कम समझा है। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब यहाँ एक खुला हुप है तो डंबल को इस्तेमाल क्यों करना? ये भारी चीजें उठाने से ज्यादा मजेदार है। वो बस मुझसे जलती है। एक और। हे, मैं इसे अपने हाथ पर भी घुमा सकती हूँ। चलो कोशिश करते हैं। वाह, बच कर। बढ़िया, मैं इससे जरूर कुछ कर सकती हूँ। बढ़िया। हाँ, वाह, मुझे भी ये चाहिए। ओह नहीं, इसे किसने फेंका? जेट, तुमने कार तोड़ दी। माफ करना, मैं बस मैग की तरह एक जादुई ट्रिक करना चाहता था। सुनो हुडिनी, जब डैडी देखेंगे तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। इसे जल्दी ठीक कराओ, नहीं तो हम गए। हे मैग, यहाँ क्या हो रहा है? हाय, तुम्हारा भाई एक सीक्रेट रूम बनाने की कोशिश कर रहा था। सीक्रेट रूम? कितने दुख की बात है। मेरे भाई की किस्मत बहुत खराब है, हमेशा किसी मुसीबत में फंस जाता है। शायद मैं यहाँ कुछ बढ़िया कर सकती हूँ। एक सूटकेस? हाँ, ये खाली लग रहा है। मुझे इसे पहले कैसे भी सजाना होगा। तो मेरे पास यहाँ क्या है? स्पून्स। और मैं इनसे क्या बना सकती हूँ? वूप्स, टूट गया। एक सेकंड रुको, मुझे एक आइडिया आया है। अगर आप बहुत सारे प्लास्टिक को एक साथ चिपकाएंगे तो आपका एक बढ़िया लैंप बन जाएगा। ये किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। चलो इसे पाइनएप्पल की शेप में बनाएं। मेरे पास पत्तियाँ बनाने के लिए पहले से ही स्पून्स हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। बढ़िया, मुझे बस एक सही बल्ब ढूंढना है। शायद यहाँ कहीं एक बचा हो, जैसे ये वाला। मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है कि इसे मैं ले गई हूँ। पैसे की घड़ी है। हुर्रे, ये इस जगह पर बढ़िया लगेगा। मुझे ये पसंद आया।
सूटकेस को थोड़ा सजाना भी होगा। शायद इसके अंदर कुछ है। कुछ नहीं है, फिर मैं इसे पेंट कर देती हूँ। ये ग्लो करने का वक्त है। पुराने सूटकेस, बेकार ब्राउन कलर को गुड बाय कह दो। हम कहाँ थे? शानदार लग रहा है। अब ये एक सूटकेस नहीं है, बल्कि एक स्टाइलिश और आरामदायक चेयर है। जब मैं इस मास्टरपीस को देखेगी तो वो पक्का जलेगी। अब चलो मेरी बनाई चेयर को इस्तेमाल करके देखें। ऐसा लगता है कि एक टेबल की कमी है। सब इतना मुश्किल क्यों है? और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है। उफ, कोई बात नहीं, मियाँ ने पहले ही सोच लिया है इसे ठीक कैसे करना है। थोड़े स्क्रूज, थोड़ी क्रिएटिविटी और हमारे बेड के अंदर का एक आरामदायक और मजबूत टेबल बन गया है। ऐसा लगता है कि अब सीक्रेट रूम की लड़ाई में अमीर मैक नहीं जीत पाएगी। हमें ये मानना होगा कि मियाँ एक आरामदायक कमरा बनाने में माहिर है। उसकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो देखे लड़कियाँ और क्या कर सकती है। बिल्कुल भूल गयी, मैंने यहाँ डार्ट्स भी रखे थे। जेट को ये पसंद आएगा। थोड़ा निशाने को टेस्ट करते हैं। ठीक निशाने पर, बढ़िया। शायद मुझे थोड़ा और मुश्किल टारगेट बनाना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़े वक्त के लिए सो जाना चाहिए। मुझे और आराम कैसे मिलेगा? ज्यादा आरामदायक नहीं है। मैं क्या करूँ? उसी वक्त मैक को दूसरी परेशानी है। वो अपने बेड को थोड़ा ब्राइट कलर से सजाना चाहती है। मुझे यही चाहिए था। मैं अपना रेनबो बनाने वाली हूँ। शानदार, ऐसा लग रहा है मैं बादलों पर हूँ। कितना सारा कूड़ा है। हे, तुम क्या कर रही हो? बस मैं अपना कूड़ा यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं। यूरेका, शायद मैक को बचे हुए बड़े नूडल्स की जरूरत है। लेकिन मैं इनके इस्तेमाल से अपने बेड को और मुलायम बना सकती हूँ। इनको बस थोड़ा बढ़िया करना और साथ में चिपकाना काफी है। और ये कमाल लग रहे हैं, काफी शानदार है। आखिरकार मैं सो सकती हूँ। आपसे सुबह मिलते हैं। मुझे ये बेड बहुत पसंद है, अब मैं खा सकती हूँ। चलो इन सरप्राइज चिप को खा कर देखे। हे भगवान, दोबारा सोचने पर खराब नहीं है। स्वादिष्ट है आइडिया। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ मियाँ। भूत तुम्हें बुला रहे हैं। क्या तुम्हें मेरा नया मैनिक्योर पसंद आया? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। शानदार, मुझे दूसरे हाथ पर भी ऐसा ही बनाना होगा। हाँ, और ये क्या है? वाह बढ़िया, मैं बेड को बलून से भर दूंगी और मैं पूरा एक फूल बनाना चाहती हूँ। इन चिप्स को ज्यादा खरीदना चाहिए। हो गया, अब मैं चैन से आराम कर सकती हूँ। शानदार। हाय डियर, कैसा चल रहा है? तुमने बहुत कमाल का काम किया है और बॉल से भरा बेड। लेकिन हम इस पर कैसे बैठेंगे? ओ, मेरी गलती है। एक रास्ता है। हाँ ठीक है, परेशानी के लिए माफ करना। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं बस बेड को पलट दूंगी। वाह, मैग और जेन ऐसे शो से काफी खुश है। लेकिन आप मियाँ के बारे में ये नहीं कह सकते। ये तुमने क्या किया? मेरा सीक्रेट रूम खराब हो गया है। अब इस गंदगी को कौन साफ करेगा? देखो मेरे शानदार टेबल को क्या हुआ। ओह, ये दुख की बात है। हमें क्या करना चाहिए? शायद हम मियाँ की कैसे भी मदद कर सकते हैं। मियाँ मुझे माफ कर दो, मुझे और जेन को ये सब ठीक करने दो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पिंक सीक्रेट रूम बना सकती हूँ। मैंने पहले एक बनाया था, ये आलीशान होगा, तुम्हें ये पसंद आएगा। मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, और हमें यहाँ रहना है। हाँ, हे, तुम्हें कपड़े बदलने का समय कब मिल गया? वाओ, मैं पूरी पिंक हूँ और तुम ब्लैक हो। ओह, मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा। हमें अपने मेन काम पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा, हमें रूम पर ध्यान देना चाहिए। क्या यहाँ रहने वाले लोगों ने सफाई शब्द भी सुना था कभी? सैंड्रा, क्या हुआ? कितना प्यारा है, शानदार। अब हमारे पास पेट है, मैं इसे पकड़ने वालों को बुला रही हूँ। हे, स्पाइकी के सामने ऐसे मत बोलो। इस जगह को साफ करो ताकि हमें कोई और इस तरह ना डरा पाए। चलो यहाँ से शुरू करें। रूम में भी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक की जरूरत है, इसमें बहुत समय लगेगा। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन पहली स्टेज पूरी हो गयी। हाँ, रूम अब ज्यादा बेकार नहीं लग रहा और पिंक कलर का होकर ये और भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा क्या मतलब? हमारी ये बात नहीं हुई थी। नहीं, कुछ पिंक नहीं होगा यहाँ पर, इसकी जरूरत है। ये
उप्स, ये नहीं, मेरा मतलब ये था पूरा ब्लैक बढ़िया और शानदार रहेगा। सोचती रहो, रूम पिंक होगा, नहीं ब्लैक। ओह हाँ, तो अब से हम अपना अपना काम करेंगे। समझ गई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है तुम सही बोल रही हो। अब हम एक दूसरे के खिलाफ है तो हमें एक ही रूम में रहना होगा। अब से तुम इस लाइन को पार नहीं करोगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? नहीं, अपने हिस्से पर जाओ। मैं सुंदर रूम डिजाइन बनाऊंगी और मैं तुमसे भी अच्छा डिजाइन बनाऊंगी। ओह, कितना सुंदर पिंक जंपसूट है। मुझे दीवारों को पेंट करने के लिए वैसे काम वाले कपड़े पहनने होंगे। मुझे उम्मीद है ये साइज मुझे आ जाएगा। ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए ही बना है। सैंड्रा, क्या तुम इन कपड़ों में काम करोगी? मेरी चिंता मत करो बार्बी। ओह देखो, मैंने काम करने के लिए बहुत स्टाइलिश कपड़े रखे हैं। मैं एक सेकंड में बदल लूंगी और ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। समझी, मेरे पास बहुत सारा पिंक पेंट है सैंड्रा। अगर तुम्हारे पास खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। बेवकूफ, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास अपने लिए बहुत सारा पेंट है। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है। ओह दिल, मुझे इन्हें इस्तेमाल करना आता है। देखो और सीखो। ये बढ़िया आइडिया है, लेकिन मैं नहीं मानने वाली, खासकर इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्स काट चुकी हूँ। वो बचपन से ही ऐसी सॉफ्ट गर्ल है। अच्छी बात है कि मेरे पास एक ब्लैक कलर है ऊपर और नीचे। ये बोरिंग है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, पेंट पूरा करना ही होगा। ला 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 ला, एक और लेयर लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितने अमीर होंगे उतना बढ़िया रहेगा। तुम कैसा कर रही हो दोस्त? बढ़िया, जैसे कि तुम देख सकती हो। खैर, मुझे जल्दी करना होगा। लड़की जीतना चाहती है और उनमें से कोई भी हार नहीं मानने वाली। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अपने काम पर ध्यान दो। ये कितनी अजीब है, मैं इस हार्ड रॉक फैन से नहीं हार सकती। आखिरी टचेस और ये हो गया और पेंट बिल्कुल सही समय पर खत्म हुआ है। जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या, अब बोलो, तो क्या, बुरा नहीं है, लेकिन इसे देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। आखिरकार मेरे हिस्से में असली स्टार्स वाला स्काई है, तो अब कौन किससे जलेगा? ये तो बस शुरुआत है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तो अब हम देखेंगे कि ज्यादा सजावट का सामान कौन काट सकता है। मेरे पास काफी ट्यूल है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं था। इसे काटना बहुत आसान है, हार मत मानना सैंड्रा। मेरे बैट्स बैट बॉयज के बैट से भी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। मुझे सुपर गाय पसंद है, यहाँ पर उस तरह की सजावट बढ़िया लगेगी। अब ये देखो, क्या सैंड्रा ने ये निंजा से सीखा है? कितनी सुंदर है, मेरे रूम का हर कोना बढ़िया लगेगा। तुम्हें क्या लगता है? कुछ मिसिंग है। हाँ, बेड्स। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, वो ये प्लांट कहाँ से ले आई? अब मुझे पक्का अच्छे सपने आएंगे। मेरा बेड भी बढ़िया लगेगा। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है मैंने बढ़िया काम किया है। हाँ, क्या ये मजाक कर रही है? मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। उप्स, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं बाकी की ट्यूल का क्या करूँ? मैं इसे बेड लेग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा और सजाएं। लगता है सैंड्रा अपने रूममेट से आइडिया ले रही है। ओह, मैंने बेड के नीचे का हिस्सा सजाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? हे, मुझे परेशान मत करो, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मेरे पास बहुत सारे और आइडियाज हैं। हे, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? आराम कर रही हूँ और सोडा पी रही हूँ। लेकिन ये मेरा बेड है, यहाँ तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ। अपने डार्क हिस्से में जाओ बेशरम। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो मेरे हिस्से में न आए। ये तैयार है क्या? क्योंकि वो और मैं एक रूम में रहते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा कि वो मेरे हिस्से में ना आए। हाँ, मेरा लेटर तुमसे अच्छा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खैर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ग्लिटर है। अब तुम्हारा एस सस्ता लग रहा है। ओह, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हें उदास करना होगा। कितना सुंदर लग रहा है, अब ये समझ आ रहा है कि ये मेरी जगह है। शानदार आइडिया के लिए शुक्रिया। अब इन सबसे ध्यान हटाकर मजे करने का समय है। तुम्हें पता है मेरा हिस्सा ज्यादा सुंदर लग रहा है। खुश होती रहो। इनके अलग होने में टेबल भी इनका साथ दे रहा है। स्टाइलाइज्ड ड्रीम कैचर कैसा रहेगा? मैंने इस पिक्चर को खुद पेंट किया है। ये हुई ना बात, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत से काम किया है। मुझे अपना मेकअप अच्छा करना चाहिए।
मेरे पास बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, लेकिन बेड पर मेकअप करना और वो भी छोटे शीशे से बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे ब्यूटी जोन बनाना चाहिए। माफ करना प्लैड, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ और काम सोचा है। ये देखो, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं शांति से मेकअप कर सकती हूँ। ओह, अब थोड़ी देर सोने का समय है। इन मार्शमैलो से मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। अब से मैं यहाँ टैटू बनाऊंगी। हाय, अंदर आ जाओ। हेलो, मैं यहाँ टैटू बनवाने आई हूँ। मैं कहाँ बैठूं? ऊपर देखो। हाँ, क्या? वाओ, असली झूला। मैंने डॉम में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। खैर, चलो सेशन शुरू करें। मुझे अपना हाथ दो। आउच, तुम्हें पता है ये आरामदायक नहीं है। आउच, मुझे दर्द हो रहा है। एक मिनट के लिए सीधा बैठो। आउच, दर्द कब बंद होगा? हो गया, टैटू तैयार है। लेकिन ये टैटू इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आप पूरा समय हिल रही थी। तुमने बहुत गंदा टैटू बनाया है। पैसे कौन देगा? ओह, मेरे पास एक प्लान है। एक प्रैंक कैसा रहेगा? मुझे गुदगुदी हो रही है। कम से कम ये हिल नहीं रही। आउच, सैंड्रा, अपने स्पाइडर को हटाओ। बस हो गया, मुझे दर्द हो रहा है। ये तुमने क्या किया? ये मार्कर है। ये हंसने की बात नहीं है। ब्ला ब्ला, असल में ये बहुत हंसी की बात है। काश उसने इसकी जगह किटन या बटरफ्लाई बनाई होती। ठीक है, आखिरकार आराम करने का समय है। कम से कम यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और मैं टब से सारी कैंडीज खा सकती हूँ। मैंने इन्हें बहुत याद किया था। मुझे ये अजीब टैटू मिटाना चाहिए। हो गया, अब ठीक है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाथरूम में मजे करने आई हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। हे, मैं अकेले रहना चाहती थी और मैं सोडा बाथ लेना चाहती हूँ। ईयू, तुम्हारा टब बहुत बकवास लग रहा है। क्या तुम्हें ये भी ब्लैक चाहिए? बिल्कुल, तुम्हें इस कलर की खूबसूरती कभी समझ नहीं आएगी। मैंने कुछ और भी बनाया है, ब्लैक चॉकलेट चिप कुकीज। सैंड्रा ने इस कॉन्टेस्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये पसंद है, ये बहुत टेस्टी लग रही है। मुझे ये पीना है। हे भगवान, सच में? ये स्वादिष्ट थी। ओह, मैं ये वापस ले रही हूँ। सच में? ये बेकार आइडिया था। मुझे अभी टॉयलेट जाना होगा। आखिरकार मैं फिर से अकेली हूँ। मैं उसके साथ एक मिनट भी शांति से नहीं रह सकती। टॉयलेट को क्या हुआ? ये पूरा पिंक और प्लश क्यों है? ओह, मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे ये करना होगा। चलो सैंड्रा, तुम ये कर सकती हो। ओह नहीं, मैं नहीं कर सकती। ये बकवास है। मैग, लड़कियों, मैं तुम्हारा रूम देखने आई हूँ। वाओ, क्या मैंने सही दरवाजा खोला है? ये जगह तो पहचान में ही नहीं आ रही। ओह हाँ, आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है। खैर, मुझे कुछ बताना है। चलो मैं आपको अपना हिस्सा दिखाती हूँ। नहीं, मुझसे शुरू करो। रुको, हद हो गई है। मैं जा रही हूँ। क्या हम कॉन्टेस्ट से बाहर निकल गए? मुझे नहीं पता। हे, क्यों ना हम लड़ाई खत्म करें? सच में मैं भी यही बोलने वाली थी। हमें ऐसे ही लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओह हाय, आपको रूम का कौन सा हिस्सा बढ़िया लगा? पिंक वाला या ब्लैक वाला? हमें आपकी राय जाननी है। वैसे क्या आपको याद है सैंड्रा ने मेरे ऊपर कौन सा टैटू बनाया था? कमेंट में बताएं कि उसने क्या बनाया था। फिर मिलेंगे।